हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम नो योर कैलेंडर में हमारा तीसरा कैलेंडर जिसको हम विक्रमी संवत के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर है जिस पर हमारे सभी त्यौहार निर्भर करते हैं। हमारे सभी चंद्रमा की तिथियों पर आधारित त्यौहार इसी कैलेंडर से निकाले जाते हैं। हमारे शादी विवाह, शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश, जितने भी शुभ कार्य हैं हम इस विक्रमी संवत से निकालते हैं, इस विक्रमी संवत से उनका पता लगाते हैं और उससे इस कैलेंडर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए देखिए, सबसे पहले आप समाचार पत्रों में ये हेडिंग पढ़ते हैं कि कब कब शहनाई बजेगी, कब गृह प्रवेश होगा। हर समाचार पत्र में रोज इस तरह से कैलेंडर दिया जाता है, आज का पंचांग कैसा है, ये शादियों के अलग अलग मुहूर्त कैसे हैं, ये सारे हम समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए आज इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, देखते हैं। ये एक कोलाज है जो मैंने अलग अलग तरह के कैलेंडर्स आपके सामने बनाए हैं। ये हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर दिख रहे हैं, उसके बाद ये हमारे पंचांग, गुजराती कैलेंडर, आज का पंचांग, आज के बारे में विभिन्न ग्रहों की स्थिति, जंत्री या अलग अलग हमारे जो विक्रमी संवत पर आधारित हमारे अलग अलग ग्रंथ या हमारे अलग अलग पत्र पत्रिकाएं हैं, ये उससे जुड़ी हुई सूचना हम इसके ऊपर देख सकते हैं। क्या है कैलेंडर और क्या फर्क है एक कैलेंडर और पंचांग के अंदर, हम यहां से समझ सकते हैं। कैलेंडर का अर्थ है समय की अवधि को या दिनों को सूचीबद्ध करना, क्रमबद्ध करना, योजनाबद्ध करना, उसको हम कैलेंडर कह देते हैं। दिनों को महीनों में, महीनों को वर्ष के अंदर अपनी सुविधा अनुसार, अपनी योजना के अनुसार संगठित करना कैलेंडर कहलाता है। लेकिन पंचांग का अर्थ क्या है? पंचांग में हम इस समय की अवधि को अलग अलग तरह से नापते हैं। पंचांग का अर्थ है पांच अंग। ये पांच अंग क्या हैं? पांच अंग हमारे पास अलग अलग हैं। देखिए, सबसे पहले है कि उस दिन तिथि कौन सी, चंद्रमा की तिथि, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, द्वादशी, इस तरह से तिथि क्या है। दिन कौन सा है, सूर्य के हिसाब से हम निकालते हैं कि कौन सा दिवस है, कौन सा वार है, हम सोलर डे के हिसाब से बोलते हैं। देन वी हैव कि नक्षत्र कौन सा है, और हमारे पास योगा का है और करण क्या है, सूर्य उत्तरायण है, दक्षिणायन है, क्या कौन है, यानी शुभ तिथि जानने के लिए पंचांग का प्रयोग किया जाता है। शुभ समय जानने के लिए ये अलग अलग पांच अंग का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम पंचांग कह देते हैं। और हमारी वैदिक व्यवस्था के अंदर, वैदिक प्रणाली के अंदर इसका विशेष महत्व है, जिसको हम पंचांग कह देते हैं। आइए इस विक्रमी संवत के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं। कहां से आया, हम ये पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में, यानी कि 365 दिन में एक चक्र लगाती है, लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं, और चंद्रमा 354 दिन में एक चक्र पूरा करता है। इसी पर आधारित, इस डिफरेंस के कारण, जो 11 दिन का डिफरेंस है चंद्रमा और पृथ्वी की वार्षिक गति के अंदर, इसी पर आधारित हमारे अलग अलग कैलेंडर कहे जाते हैं, सोलर बेस्ड, ल्यूनर बेस्ड, और उसके साथ साथ ये हमारा ल्यूनी सोलर टाइप कैलेंडर। सोलर कैलेंडर में 365 दिन, ल्यूनी कैलेंडर में चंद्रमा पर आधारित, जैसे हिजरी कैलेंडर यूज किया जाता है, लेकिन ल्यूनी सोलर कैलेंडर के अंदर
महीने चंद्रमा पर आधारित, लेकिन वर्ष की अवधि के अंदर उनको एडजस्ट कर दिया जाता है, उनको उसके साथ जोड़ दिया जाता है और तीन वर्ष में एक अलग महीना जोड़ दिया जाता है जिसको हम डबल ल्यूनर मंथ, मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये ल्यूनी सोलर टाइप कैलेंडर कहलाता है। विक्रमी संवत इसी कैलेंडर का एक उदाहरण है जिसके बारे में हम आज पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। आइए ये विक्रमी कैलेंडर के बारे में हम समझें और जानें। सबसे पहले जब हम टाइम स्केल के ऊपर अपने कैलेंडर्स को देखते हैं तो हमारा ये विक्रमी संवत सबसे पुराना कैलेंडर कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट का बर्थ, जिससे आज हम 2023वां साल चल रहे हैं, शाका संवत के अनुसार 1945वां साल चल रहा है, हिजरी के अनुसार 1445वां साल, और नानक शाही कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन से शुरू होकर अब 555वां साल चल रहा है। लेकिन ये विक्रमी संवत का अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका 2080वां साल चल रहा है। किस कारण से? कि ये विक्रमी संवत, विक्रमी कैलेंडर 57 बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 57 साल पहले शुरू हुआ, और अब हम इसमें 2023 जोड़ दें तो ये विक्रमी संवत हमारा 2080 वर्ष चल रहा है। आइए इस विक्रमी संवत के बारे में समझते हैं और इस विक्रमी संवत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम यही कह रहे हैं कि ये हिंदू ल्यूनर कैलेंडर कहा जाता है, जिसे राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में, जैसे हमने अकबर के दरबार में 9 रत्न सुने हैं, उस समय भी कालिदास और वारामिहिर जैसे गणितज्ञ विक्रमादित्य के रत्न कहे जाते थे। वारामिहिर ने इस कैलेंडर की शुरुआत की, इस कैलेंडर को बनाया और नाम दिया गया विक्रमी संवत। इस तरह से 2023 में आप 57 BC जोड़ देंगे तो ये 2080 विक्रमी संवत कहा जाता है। कैसा कैलेंडर है? जिसमें महीने तो चंद्रमा पर आधारित, लेकिन वर्ष की अवधि सूर्य पर आधारित कही जाती है, और वारामिहिर ने इसको बनाया। हमारे अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम कहे जाते हैं, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रे, उगाड़ी, चेती चांद। ये इस विक्रमी संवत का पहला दिन कहा जाता है। शुरुआत इसकी कब होती है? तो इसकी शुरुआत चंद्रमा पर आधारित है। चैत्र मास में अमावस के बाद पहला दिन, जिसको हम प्रतिपदा कहते हैं, शुक्ल पक्ष का, यानी अमावस के बाद शुक्ल पक्ष आता है, पहला दिन जब हमारे चैत्र मास के नवरात्रे शुरू होते हैं, विक्रमी संवत की पहली तिथि होती है, विक्रमी संवत की शुरुआत कही जाती है, और हमारे सभी हिंदू फेस्टिवल्स, सभी के सभी त्यौहार इस फेस्टिवल्स पर आधारित कहे जाते हैं। ये इस विक्रमी संवत की विशेषता कही जाती है। इसके बारे में हम और अधिक समझते हैं। इस विक्रमी संवत वर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई? चैत्र मास से शुरू होगी और फागुन इसका अंतिम महीना होगा। वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से और एंड फागुन महीने से होगा, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में जनवरी और की शुरुआत की जाती है। कब, कौन से दिन से शुरुआत होती है? तो हम कहते हैं कि ये प्रतिपदा वाला दिन, जब चैत्र मास की अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष वाले दिन, वैक्सिंग ऑफ मून के दिन, पहले नवरात्रे के दिन इसकी शुरुआत की जाती है, चैत्र नवरात्र। सभी त्यौहार और सभी हमारे शुभ मुहूर्त इसी विक्रमी संवत पर बेस्ड होते हैं, विक्रमी संवत पर आधारित रहते हैं। इसके 12 महीने हमारे नक्षत्रों पर आधारित हैं। कुल हमारे 27 नक्षत्र हैं, लेकिन 12 नक्षत्रों के ऊपर इसके अलग अलग हमारे
देसी महीने या लोकल महीने जो कहे जाते हैं उनके नाम नक्षत्रों पर आधारित है और ये विक्रमी संवत के महीने कहे जाते हैं। ये हमारा फुल चार्ट है, आप देखिए। ये विक्रमी संवत चैत्र 2080 शुरू हुआ 22 मार्च से और ये अलग अलग पूर्णिमा की तिथि हमने इसमें लिखी हुई, किस तरह से हनुमान जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, संत कबीर जयंती, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन का त्यौहार, ये सभी के सब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूर्णिमा पर आधारित कहे जाते हैं। और इस कैलेंडर की एक और विशेषता है कि हर 2 साल 8 महीने और 16 दिन के बाद इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है जिसे पुरुषोत्तम मास, मल मास कहा जाता है। ये एक डबल ल्यूनर मंथ इस वर्ष 2080 में सावन के 2 महीने थे, ये 2 महीने अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और ये हमारा श्रावण मास जो है शुद्ध सावन मास कहा जाता है। ये विक्रमी कैलेंडर को इसलिए ल्यूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है, चंद्रमा पर आधारित महीने लेकिन जुड़ गए हैं किसके अंदर, वर्ष की अवधि के अंदर। क्यों करा जाता है, हमारे फेस्टिवल्स की डेट को और हमारे कृषि संबंधी जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं या हमारे सीजन्स के जो समय हैं वो सब के सब विक्रमी संवत में इस प्रकृति के साथ एडजस्ट करने के लिए, उनका समन्वय बनाने के लिए ये एक डबल ल्यूनर मंथ भी इसके अंदर जोड़ लिया जाता है। ये है हमारा नक्षत्र पर आधारित किस प्रकार से हमारे महीनों के नाम हैं। 27 नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार्स कहे जाते हैं, जिस भी ग्रुप ऑफ स्टार्स के समय पूर्णिमा होती है, उदाहरण के लिए चित्रा नक्षत्र में जब पूर्णिमा होगी चैत्र महीना, विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा होगी तो विशाख महीना, ज्येष्ठ में पूर्णिमा होगी तो ज्येष्ठ का महीना, इस तरह से ये रेड कलर में मैंने 12 महीने अलग अलग नक्षत्रों के अंदर अलग अलग समय पर दिखाए गए हैं। जिस नक्षत्र में पूर्णिमा होगी उस नक्षत्र के अंदर हमारा वो कहा, हमारे 6 भारत की अलग अलग ऋतुएं जिसे हम सीजन के नाम से कह रहे हैं, 6 हमारी ऋतुएं हैं और 6 ऋतुएं आप गिन रहे हैं कि ये हमारे इस देसी महीनों के हिसाब से या लोकल मंथ्स के हिसाब से कही जाती हैं। देखिए बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन फागुन और चैत्र के महीने में, लेकिन मिड फरवरी से मिड अप्रैल तक, ये पहली हमारी जो ऋतुओं का राजा कही जाती है बसंत ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु है वैशाख और ज्येष्ठ मिड अप्रैल से मिड जून, इसी प्रकार से हमारी वर्षा की ऋतु हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ये अलग अलग हमारे 6 सीजन हैं जो मध्य और उत्तरी भारत के अंदर गिने जाते हैं। ये सब इस हमारे देसी महीनों के हिसाब से निकाले गए हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रचलित महीने कहे जाते हैं जो हमारी खेती के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये